नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे प्रिय विद्यार्थी मैं अशोक सुधा अपने YouTube चैनल हैंड राइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेटर डैश सीखने जा रहे हैं। डैश से डलिया, देखो इसमें इस तरह के ये थ्री लेटर होते हैं, अभी आपको बोर्ड पे बताएंगे। डे आप डह में पहले सीख चुके हो, डे और डे में क्या फर्क है वो भी अभी हमारे सामने आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप, इसको हमें छोटा ही रखना है। सेकंड, और ये इसका थर्ड स्टेप। फर्स्ट और सेकंड बराबर है, थर्ड इस सेकंड से डेढ़ गुना बड़ा है, और इसकी हम टेल यहां तक इसके सेकंड के सेंटर तक ले आए। ये इसका थर्ड, ये फोर्थ में आपकी कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस तरह के पहले बनाया था, अगर इसी को हम यहां पे इस तरह से बना देते हैं तो रह घर खाली ये बन जाता है, ये नहीं बनाते हैं तो ये डे से डलिया बन जाता है। तो इस प्रकार का एक लेटर और आएंगे, सेम थ्री होता है, सिर्फ किसी में ये लगता है, किसी में नहीं लगता, किसी में कहाँ लगता है, अलग अलग है। अब इसमें आप इसमें ये कमियां नहीं रखें, इस पार्ट को इसके बराबर या थोड़ा बाहर लाना जरूरी है, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। डायरेक्ट हम बना नहीं सकते बगैर इसके स्टैंड लाइन या नेक या गर्दन के बगैर बना नहीं सकते इसको, क्योंकि हमें सुंदर नहीं लगता। दूसरा, इससे आप ज्यादा भी बार नहीं निकाले, कुछ हम छोटी मोटी कमियां रख देते हैं। कभी कभी हम लोग क्या है इसको ज्यादा बार निकाल देते हैं यहां से, ये भी सुंदर नहीं लगता, या फिर इसको इस तरह से बना देते हैं तो भी ये सुंदर नहीं लगता। तो हम सिस्टम से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब प्रेस वाले इस लेटर को कैसे बनाते हैं, देखिए प्रेस वाले इस पार्ट को यहां तक ही छोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और वो इतना है, ये इसकी सीट तक लाके इसको छोड़ देते हैं और हम लोग इसको यहाँ सेंटर पार्ट तक लेकर जाते हैं। इसको हम प्रेस का लेटर मानते हैं, हम दो कैटेगरी में लेटर को रख रहे हैं कि एक प्रेस का, क्योंकि एक तरह से भी हमें लिखे हुए मिलते हैं और या फिर इस तरह से हमें लिखे हुए मिलते हैं। लिखे हुए हमें पेपर बुक्स वगैरह में दो प्रकार के मिलते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से बहुत सी डिजाइने बनाते रहते हैं। जानकारी मानने के बाद हमारे से ये एक ही डिजाइन में बनेगा, सरल सुंदर और सही। अब आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। लेटर सबको समझ में आ गया, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।